लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के मतगणना की प्रक्रिया 23 मई को सुबह 8 बजे से शुरू हुई। गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन, कला संकाय और कन्वेंशन हॉल में बनाए मतगणना केंद्र में सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की गई। उसके बाद ईवीएम में पड़े वोटों की गिनती शुरू हुई। इस दौरान प्रत्याशियों के प्रतिनिधि और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। पूरे मतगणना पर भारत निर्वाचन आयोग से नामित सामान्य प्रेक्षक मलय घोष, जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी केवीएन पांडेय नजर बनाए हुए थे। लगभग 35 राउंड में चली मतगणना में भाजपा प्रत्याशी रवि किशन शुक्ला ने अपने निकटतम प्रत्याशी राम भुआल निषाद को 3,01,000 से ज्यादा मतों से पराजित किया, जबकि 22,000 वोट लेकर कांग्रेस के प्रत्याशी मधुसूदन त्रिपाठी तीसरे स्थान पर रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के विजयन पांडेयन ने कहा, व्यवस्थित हो गया ये सब क्या।
गोरखपुर जनपद का आज गणना है। 23 तारीख का सवेरे 8 बजे से प्रारंभ होगा। ऐसे देखेंगे गोरखपुर में जो यहाँ 9 विधानसभा क्षेत्र पड़ेगा, 5 गोरखपुर का जो सांसदीय क्षेत्र का 5 विधानसभा है, बांसगांव का 3 विधानसभा क्षेत्र और ये खजनी है वो संत कबीर नगर का पड़ेगा। टोटल 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। यहाँ तकरीबन हमारा 35 लाख जो वोटर हैं उन लोग मत दिए हैं। आज गणना सुबह प्रारंभ 8 बजे से वो होगा। पहले जो पोस्टल बैलेट का प्रारंभ करेंगे, उसके बाद ETPVA सिस्टम इस बार तो चालू किए हैं, उस पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम, उसी के अंदर जो सर्विस वोट आता है हम लोग मेल माध्यम से प्राप्त होता है, उसको स्कैनिंग करते हुए फिर हम लोग उसको भी पोस्टल बैलेट के जरिए से गिनेंगे। उसके बाद एक एक तरफ राउंड चालू होगा। एक एक विधानसभा में 14 टेबल लगी हुई है। सबसे ज़्यादा जो हमारा जो राउंड संख्या है तो चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र का है, वहाँ तो तकरीबन 380 बूथ हैं, इसलिए तो वहाँ तो मोटा मोटा 38 से 40 के बीच में जो है राउंड बनेगा। बाकी जगह 30 से 35 के बीच में राउंड है। एक एक राउंड का मोटा मोटा 15 मिनट हम अंदाज लगा रहे हैं। उसी के हिसाब से हम लोग का तो 1-2 के बीच में जो EVM का काउंटिंग समाप्त हो जाएगा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का निर्देश है जो 5 VVPAT का स्लिप है गिनना है, उसको हम लोग 2 बजे के बाद प्रारंभ करेंगे। तो उम्मीद है 2-3 के बीच में सारे प्रक्रिया तो समाप्त हो जाएगा। अब 8 बजे प्रारंभ कर रहे हैं तो उम्मीद है 9-9:30 के बीच में आ जाना चाहिए था। उसी से हम लोग 2-3 के बीच में लेके जा रहे हैं ताकि VVPAT स्लिप गिनने में थोड़ा सा समय लगेगा, बाकी EVM मशीन से फटाफट निकल जाता है। VVPAT का इस बार तो कमीशन के निर्देश के हिसाब से 5-5 गिनना है, यानी 9 पोस्टल बैलेट तकरीबन हमारा तो गोरखपुर में तो 2,500 के आसपास है पोस्टल बैलेट, ETPVS 2,000 के आसपास है, यानी तो 4,500 से 5,000 के बीच में, ताकि सुबह 8 बजे तक आज पोस्टल बैलेट लेने के लिए है, इसलिए मैं अभी 8 बजे के बाद आपको एग्जैक्ट फिगर बता देता हूँ। वैसे तो 4,500 गोरखपुर में है, तकरीबन 4,000 बांसगांव में प्राप्त हुआ है।